कितने सीटें आपके पार्टी को भाई हकीकत है, मैं पुनः मैं दोहराता हूं जो मैं बार बार मैं कहता हूं कि मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा, कि मैं कोई भी बात सार्वजनिक आप लोगों के साथ पहले कर लूं, जबकि गठबंधन और आप लोगों ने देखा है कि हमेशा से 2014 में भी गठबंधन के तमाम साथियों ने बैठकर इसकी घोषणा की, 15 में भी विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने ऐसा ही किया, 19 में भी ऐसा ही रहा, 20 में भी ऐसा ही रहा। मुझे लगता है बहुत जल्द गठबंधन के तमाम साथी वो सब एक साथ बैठकर ना सिर्फ सीटों की बल्कि सीटों का चयन भी हो चुका है उसकी भी घोषणा हम सब साथ मिलकर करेंगे। हाजीपुर को लेकर एक चीज आ रहा है कि जो दूसरा खेमा है आप लोगों का, क्या वो इस गठबंधन का हिस्सा है, क्या वो आपके कोटे में है या नहीं है? भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है, मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं है। पांच उंगलियां की सीटें पांच उंगलियां है, किसको कौन सी सीटें मिलेगी डिसाइड हो चुका है, फॉर्मल बस अनाउंसमेंट हो जी, फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है, बाकी सारी चीजें डिसाइड हो चुकी है। चिराग जी एक सवाल ये है, सम्राट बता रहा है कि हाजीपुर आपके पास। चिराग जी एक सवाल ये है कि अभी नीतीश कुमार के साथ भी आपको एक मंच पे खड़ा रहना होगा, एक मंच साझा करना होगा, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? देखिए लक्ष्य आपको तय करने जरूरी हैं, और जब आप बड़े उद्देश्य की तरफ अग्रसर होते हैं तो वो उद्देश्य आपकी प्राथमिकता बनता है। कई बार कई मौकों पर हर किसी ने अपनी अपने मतों को अलग रखकर गठबंधन के हित में राष्ट्र हित में फैसले लिए हैं। ऐसे में आज की तारीख में जब मैंने कहा कि 40 की 40 सीटें जीतनी हैं, उसमें यकीनन भारतीय जनता पार्टी की एक अहम भूमिका है, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, उनकी उनके पार्टी की एक अहम भूमिका है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम भूमिका है, तमाम हमारे सहयोगी साथी इस गठबंधन के जितने भी और घटक दल हैं उन सब की एक अहम भूमिका है। ऐसे में हम सबको एक मंच पर आकर एकजुटता दिखाकर 40 की 40 सीटें हम लोग जीते, उस ओर हम लोग को कार्य करना होगा और तभी हम लोग 400 का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। हाजीपुर को लेकर कोई इशू आपका है अभी भी या जमुई से बहुत लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार क्या हमारे नेता जमुई को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे? 14 ये अब क्योंकि अब सीटों का बंटवारा हुआ है और बहुत खूबसूरती से आपने प्रश्न पूछा था कि पता चल जाए कि मेरे पास कौन कौन सी सीटें हैं, बट हाँ जो भी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास आई हैं उनमें कौन प्रत्याशी होगा ये पार्टी बैठकर इसका फैसला लेगी, पार्टी का संसदीय बोर्ड इसका फैसला लेगा, और वो भी मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिकॉज अब अधिसूचना मुझे लगता है जल्द आएगी, तो बहुत जल्द ये सारी बातें भी साझा करेंगे।